नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विशेष में और आपके साथ हूं मैं आयुषी देकी। कहते हैं कि इश्क ना सरहद देखती है और ना हवाओं का रुख देखती है, लेकिन आज एक ऐसे इश्क की चर्चा जिसने महबूब को बॉर्डर पार करा दिया। बाड़मेर के गेमरा राम की कहानी कुछ ऐसी ही है। गेमरा राम अपनी प्रेमिका के परिजनों से डर से कब सीमा पार पाकिस्तान पहुंच गया उसे पता नहीं चला। पिछले 11 महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद गेमरा राम ने चिट्ठी के जरिए अपने माता और पिता और प्रेमिका को पैगाम भेजा है और जल्द रिहाई की गुहार लगाई है। इश्क ने पहुंचा दिया बॉर्डर पार। पाकिस्तान की जेल में बंद गेमरा राम, माँ बाप और प्रेमिका के नाम भेजा पैगाम, बूढ़ी आंखों में बेटे के वतन वापसी की उम्मीद। पाकिस्तान की जेल में बंद अपने बेटे के पैगाम को टकटकी लगाकर देखती एक बेबस माँ और अपने लाल की तस्वीरों को निहारते रोते माँ बाप। 11 महीने से अपने बेटे की वतन वापसी की उम्मीद के लिए चौखट पर हर दस्तक इन्हें चौकन्ना कर देती है। आज 11 महीने बाद पाकिस्तान की जेल में बंद गेमरा राम ने अपने माता पिता को पैगाम भेजा है। चिट्ठी के जरिए माँ बाप को उम्मीद दिला रहे हैं कि वो सकुशल हैं। साथ ही अपनी एक सेल्फी भेजी है यह एहसास दिलाने के लिए कि वो अभी जिंदा है। गेमरा राम ने अपने परिजनों से भारत सरकार से गुहार लगाकर जल्दी रिहाई की अपील की ताकि वो अपने वतन वापस लौट सके। इश्क ने पहुंचा दिया बॉर्डर पार। बाड़मेर जिले के सीमांत कुम्हारों का टिब्बा सज्जन कपाड़ निवासी गेमरा राम अपनी प्रेमिका से बेपनाह मोहब्बत करता था। 4 नवंबर साल 2020 का वो दिन था। इसी दिन वो प्रेमिका से मिलने पहुंच गया, लेकिन पकड़े जाने के डर से तारबंदी लांघकर भटकते हुए पाकिस्तान पहुंच गया। 5 जनवरी को पाकिस्तान ने भारत सरकार को इसकी जानकारी दी। खुलासा होने के बाद गेमरा राम की वतन वापसी के प्रयास प्रारंभ हुए। इस बीच 24 जनवरी को गेमरा राम को पाकिस्तान की जेल में भेज दिया गया। गेमरा राम ने चिट्ठी में बताया कि वो हैदराबाद की जेल में भारतीय लोगों के साथ हैं जो गुजरात के हैं और समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते थे। गेमरा राम की रिहाई के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार को दस्तावेज भेजे हैं और उसकी रिहाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गेमरा राम जो है पुलिस थाना बीजराड़ क्षेत्र का निवासी है और जो गुमशुदगी संख्या 2/21 है उसके गुमशुदा होने की दर्ज हुई और उसके तफ्तीश में बाद में पता चला कि वो जो अपना तारबंदी क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया और बाद में ये बात भी सामने आई कि वो पाकिस्तान के जो हैदराबाद प्रोविंस में एक जेल में बंद है। पाकिस्तान की जेल में बंद गेमरा राम आज भी अपनी प्रेमिका को नहीं भूल पाया। पाकिस्तान से भेजे इस पैगाम में प्रेमिका के नाम का जिक्र करते हुए लिखा गया कि वो उससे बहुत प्यार करता था। गेमरा राम को इस बात का पछतावा है कि जब तक वो कुछ समझ पाते उन्होंने सारी हदें पार कर दी और सरहद की सीमा को लांघ दिया। गेमरा राम ने अपनी चिट्ठी में अपनी प्रेमिका को पैगाम दिया कि वो जल्द वापस लौटेगा। इस बारे में जिले के पुलिस कप्तान कहते हैं कि फ्लैग मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी रिहाई कब होगी। बीजराड़ थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर गेमरा राम के परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। समाचार पत्र के माध्यम से पता लगा है कि उसने अपने परिजनों को एक लेटर लिखा है कि अब मेरी सजा पूरी होने वाली है, ले जाया जाए। हमने इस संबंध में ऑलरेडी करेस्पॉन्डेंस किया हुआ है और अब अगर ये लेटर का तथ्य आता है इस संबंध में हम और इस तरह की बात कर देंगे और फिर जैसे भी फ्लैग मीटिंग BSF और पाक रेंजर्स के बीच में होगी उस आधार पर वो आएगा तो फिर हमारी गुमशुदगी के आधार पर उसको लेकर के हम परिजनों को सुपुर्द कर देंगे। गेमरा राम के बूढ़े माता पिता के बेटे के इंतजार में आंखों के आंसू सूख गए हैं और पाकिस्तान से बेटे की रिहाई की टकटकी लगाए हुए बेटे के वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।